स्टूडेंट. टूडे टॉक अबाउट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. सो आई एम अ कंप्यूटर टीचर. सो आई विल ट्राई टू सॉल्व डाउट रिलेटेड ऑफ कंप्यूटर. ब्लॉक डायग्राम क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे. ब्लॉक डायग्राम क्या है? अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर डिस्प्ले अ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. सो गाइज, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे. एक ब्लॉक डायग्राम है जो कंप्यूटर की, वो शो करती है, डिस्प्ले करती है एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्लॉक डायग्राम ही शो करती है. ठीक है, जो भी इसका जो ढांचा है, जो भी प्रोसेस चलता है कंप्यूटर का, वो एक ब्लॉक डायग्राम ही शो करती है, डिस्प्ले करती है, दिखाती है बाय कंप्यूटर सिस्टम. द ब्लॉक डायग्राम गिव्स यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द वर्किंग प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर फ्रॉम इनपुटिंग द डाटा, रिट्राइविंग द डिजायर्ड रिजल्ट. सो गाइज, द ब्लॉक डायग्राम गिव्स यू अ क्विक ओवरव्यू. जो ब्लॉक डायग्राम के द्वारा ही हमें जो भी चाहिए, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए, वो क्विक ब्लॉक डायग्राम ही देता है. द वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, जो भी वर्किंग प्रोसेस है कंप्यूटर का, जैसे फ्रॉम इनपुटिंग द डाटा, जैसे इनपुट जो हम डाटा इनपुट करते हैं उस डाटे के द्वारा, फ्रॉम इनपुटिंग द डाटा, उस डाटे के द्वारा जो कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. इनपुट द डाटा एंड रिट्राइव द डिजायर्ड रिजल्ट. जो हम पहले इनपुट करते हैं, उसके बाद हमें क्या है, हमारी इच्छा के अनुसार हमें क्या है, रिजल्ट है वो प्राप्त होता है. आगे है गाइस, आपको मुझे लगता है आपको ब्लॉक, व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम, ये समझा आ गया होगा. नेक्स्ट है हमारे पास डायग्राम. ये डायग्राम है ब्लॉक डायग्राम का. ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं इनपुट जाता है, जो भी इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट के द्वारा ही हमारा डाटा है क्या होता है, इनपुट होता है, मींस इंटर होता है, माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, जे तो हमारे नॉर्मल डिवाइस है इनपुट, जिस जो हर पीसी के साथ होते हैं, चाहे लैपटॉप हो, जो भी हो. ठीक है गाइस, उसके पास क्या होते हैं, माउस और कीबोर्ड होते हैं, इनपुट यूनिट. उसके बाद जे प्रोसेस होता है सेंट्रल यूनिट प्रोसेस. सेंट्रल यूनिट प्रोसेस मींस हमारा सीपीयू. जो भी प्रोसेस हमारे सीपीयू में होता है, वो हम जो उसके अंदर होता है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है इसके द्वारा, डायग्राम के द्वारा. जैसे क्या है, डाटा हमें मिला, मान लो कंप्यूटर को मिला डाटा, ठीक है, वो कहाँ गया, कंट्रोल यूनिट में, जहाँ पर कंट्रोल होता है, वो सब कुछ एक मिनट में हो जाता है, हमें नहीं पता. मीन जो प्रोसेसिंग होती है एक मिनट में हो जाती है, जब तक हमें आंसर चाहिए. कंट्रोल यूनिट में डाटा आया, और उसके बाद क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी कैलकुलेशन हुई जहाँ पर हुई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा. ठीक है, और उसके द्वारा मेमोरी यूनिट में चला गया. वो मेमोरी है, जो मेमोरीज होती हैं आप लोग, रैम, रोम, सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी होती है ना, उसके उसमें चला जाता है हमारा डाटा, जहाँ भी हमें रखना होता है, जहाँ भी चाहिए. ठीक है, तो जहाँ पर कैलकुलेशन हुई, कंट्रोल हुआ. ठीक है, उसके बाद सीपीयू यूनिट में कंट्रोल हुआ, कैलकुलेट हुआ अर्थमेटिक यूनिट के द्वारा. जैसे अर्थमेटिक यूनिट 0 और 1 के फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज में कैलकुलेशन होती है, उसके बाद मेमोरी यूनिट में चला जाता है. मेमोरी यूनिट, जो हमारी मेमोरी होती है, सेकेंडरी प्राइमरी रोम रैम. ठीक है, आगे हमें फाइनल क्या होता है, हमें रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम आउटपुट यूनिट के द्वारा ही हमें रिजल्ट है जो रिसीव होता है, मॉनिटर के द्वारा या प्रिंटर के द्वारा. ठीक है गाइस, नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस. इनपुट यूनिट की बात हो रही है, सेम ही होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता. डिवाइस वो जिसके द्वारा करते हैं, जो करते हैं डाटा, उसको इनपुट. ऑल द डाटा रिसीव बाय कंप्यूटर गोज थ्रू इनपुट यूनिट. ऑल डाटा हमें रिसीव होता है बाय कंप्यूटर, ठीक है, थ्रू जाता है इनपुट यूनिट के द्वारा, वो जाता है. द इनपुट यूनिट कंप्राइज डिफरेंस डिवाइस. जो इनपुट यूनिट है वो डिफरेंट डिवाइस के द्वारा ही समझ सकता है, लाइक माउस, कीबोर्ड, स्कैनर. ये हमारे इनपुट डिवाइस है, हमने पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं, हमने जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है टू डिफरेंट वीडियो के द्वारा. ठीक है गाइस, इनपुट यूनिट कंप्राइज डिफरेंट डिवाइस. कंप्राइज मींस
प्राइस मीन्स जो हमें डिफरेंट एडवाइस के द्वारा जो भी हमें मिलता है, हमें डिफरेंट एडवाइस के द्वारा जो भी हमें मिलता है, मीन्स इंटर होता है, समझते हैं जो भी, लाइक माउस, कीबोर्ड, स्कैनर. इन अदर वर्ड, ईच ऑफ दीज डिवाइस एक्ट एज ए मेडिटर बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. जो डिवाइस हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, दीज ईच ऑफ दीज डिवाइस एक्ट एज ए मेडिटर. मेडिटर मीन समझते हैं आप लोग, जैसे जैसे एक किसी कोई एक पर्सन होता है, मान लो हमने विवाह करवाते हैं किसी का, उसमें किसी जो वो दो रिश्तेदारों को मिलाता है उसे हम बचोला बोलते हैं, ठीक है, मेडिटर बोलते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, मेडिटर. जो एज ए मेडिटर बैटमिन, जो ये डिवाइस है ना, एज ए मेडिटर बैटमिन द यूज़र एंड कंप्यूटर, और कंप्यूटर और यूज़र में जो मेडिटर का काम करते हैं, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, ठीक है. द डाटा दैट इज़ टू बी प्रोसीड इज पुट थ्रू द इनपुट यूनिट. हमारा डाटा है जो प्रोसीड होता है वो थ्रू इनपुट यूनिट. द कंप्यूटर एक्सेप्ट द रॉ डाटा इन बाइनरी फॉर्म. जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डाटे को एक्सेप्ट करता है इन बाइनरी फॉर्म. हम अपनी लैंग्वेज में टाइप करते हैं, मान लो हम इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप करते हैं, ठीक है, वो, बट कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होता है बाइनरी फॉर्म में. बाइनरी फॉर्म डाटा जिसको कहते हैं, जीरो और वन की फॉर्म को. इट देन प्रोसेस द डाटा एंड प्रोसीड द डिजायर आउटपुट. ठीक है गाइज, थ्री मेजर फंक्शन है इसके इनपुट यूनिट के, ठीक है. टेक द डाटा टू बी प्रोसीड बाय द यूजर. जो डाटा लेते हैं वो किसके द्वारा प्रोसीड होता है, बाय यूजर. एंड कन्वर्ट, नेक्स्ट है कन्वर्ट द गिवन डाटा इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्म. जो मशीन है, मशीन में क्या है, जो डाटा देते हैं वो कन्वर्ट होता है इन रीडेबल फॉर्म, ठीक है. वो सीपीयू में जाता है, हमारा डाटा कन्वर्ट होकर आता है हमारे पास रीडेबल फॉर्म में. नेक्स्ट है एंड देन ट्रांसमिट द कन्वर्ट डाटा. एंड ट्रांसमिट मीन्स सेम ही चेंज होता है, कन्वर्ट डाटा जो हमारे पास होता है इनटू द मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में हमने पीछे रीड किया था ना डायग्राम के द्वारा, जो हमारे पास डाटा होता है मिलता है हमें, वो कन्वर्ट होता है मेन मेमोरी में ऑफ द कंप्यूटर. जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है उसमें हमें वो डाटा है ट्रांसमिट होता है. द सोल पर्पज इज टू द कनेक्ट द यूजर एंड द कंप्यूटर. जो कनेक्ट होता है, ये एक सोल प्रोसेस है, ठीक है. सोल मीन्स एक, इज टू कनेक्ट द यूजर एंड कंप्यूटर. जो कनेक्ट होते हैं जिसमें यूजर और कंप्यूटर. इन एडिशन दिस क्रिएट इजी कम्युनिकेशन बिटवीन देम. ये क्या है, इनपुट यूनिट है, ये इजी कम्युनिकेशन कर देती है इजी यूजर और कंप्यूटर के बीच, ठीक है गाइस. अंडरस्टैंड होगी आपको ये इनपुट यूनिट की एक्सप्लेनेशन. यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप कर सकते हैं. नेक्स्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू हमारे कंप्यूटर में होता है. सीपीयू क्या होता है, इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ये एक ब्रेन होता है कंप्यूटर, जो भी अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन, कंट्रोलिंग, ठीक है, सेविंग जो भी होती है वो किसमें होती है, वो होती है सीपीयू में. सीपीयू क्या है, एक ब्रेन है ऑफ कंप्यूटर का. इट वर्क द सेम वे अ ह्यूमन ब्रेन वर्क. जी जैसे हमारा ह्यूमन का ब्रेन होता है ना, जो उसकी तरह ही ये वर्क करता है. एज द ब्रेन कंट्रोल ऑल ह्यूमन एक्टिविटी. एज द ब्रेन कंट्रोल, जो ब्रेन कंट्रोल करता है ऑल ह्यूमन एक्टिविटी. हमारा ब्रेन ही हमें कंट्रोल करता है भी ये करना है ये नहीं करना, ठीक है, ये ही एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. द सीपीयू टू कंट्रोल ऑल टास्क. ऐसे ही क्या है, एज द सीपीयू टू कंट्रोल ऑल टास्क. एज ही क्या है, कंप्यूटर सीपीयू क्या है, ह्यूमन की टाइप क्या है, जे ऑल टास्क को क्या करता है, कंट्रोल करता है. मोर ओवर नेक्स्ट है, मोर ओवर द सीपीयू कंडक्ट ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग यूनिट. जो हमने डायग्राम सीपीयू सेंटर वाला बॉक्स था ना, ये हमने रीड किया था, ये इसकी बात चल रही है. कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है ह्यूमन ब्रेन की तरह, जैसे ह्यूमन अपने ब्रेन को के हिसाब से अपनी जो भी कंट्रोलिंग है वो करते हैं, सो सीपीयू भी क्या है, कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट है, ब्रेन है. नेक्स्ट हमारे पास था सीपीयू कंट्रोल ऑल मैथड. जो हमने अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बारे में पढ़ा है, द सीपीयू कंडक्ट ऑल द अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इन कंप्यूटर. कंप्यूटर में जो भी कैलकुलेशन होती है, प्लस मल्टीप्लिकेशन, जो भी कैलकुलेशन होती है बाइनरी लैंग्वेज में होती है, जो भी उस ऑल अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जो कंप्यूटर में होता है वो सीपीयू के द्वारा ही कंडक्ट होता है,
करवाया जाता है, मीन्स सीपीयू भी वो सब करता है। नाउ नेक्स्ट है, नाउ द सीपीयू कंप्राइज टू यूनिट, ये कंप्राइज करता है टू यूनिट। जो सीपीयू है वो इसमें क्या है, शामिल शामिल करता है टू यूनिट। ठीक है, सीपीयू द्वारा के टू यूनिट होती हैं, जैसे फर्स्ट एएलयू जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, सेकंड है कंट्रोल यूनिट, बोथ दीज यूनिट वर्क इन सिंक। ठीक है, जो डाटा सिंक होता है ना, बोथ दीज यूनिट वर्क, जो ये यूनिट को वर्क में क्या, सिंक में वर्क करता है। सिंक मीन्स जो भी प्रोसेसिंग होती है सिंक होती है। मान लो हमारे एक हमारे पास स्मार्टफोन है, वो भी सिंक होता है, जिसके द्वारा हमारा डाटा है जो क्या है, एक जो हमारे फ़ोन की मेमोरी है उसमें सेव हो जाता है। ठीक है, सिंक इन यूनिट वर्क, जो वर्क करती है यूनिट लाइक कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, इनमें क्या है, बोथ में क्या होता है, डाटा सिंक होता है। द सीपीयू प्रोसेस द डाटा एज अ होल। नेक्स्ट है, लेट अस सी व्हाट पर्टिकुलर टास्क असाइन टू बोथ यूनिट। ये बोथ यूनिट ही हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को क्या असाइन करती हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये हमने क्या है था, कंट्रोल यूनिट के बारे में रीड किया था, इसकी अर्थमेटिक भी आ गई, कंट्रोल यूनिट भी आ गई। ठीक है, एंड नेक्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या है, जो सीपीयू के पार्ट है, हमने डायग्राम देखा था ना, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज मेड टू टर्म, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। ठीक है, दीज आर टू मेजर फंक्शन, ये टू फंक्शन हैं, लॉजिक और अर्थमेटिक। दिस यूनिट परफॉर्म डाटा इंसर्ट थ्रू द इनपुट यूनिट इन टू द प्राइमरी मेमरी। जो डाटा है इंसर्ट होता है, हमने इनपुट यूनिट के द्वारा डाटा डाला कंप्यूटर में, थ्रू द इनपुट यूनिट इन टू द प्राइमरी मेमरी, वो कहाँ पर जाता है, प्राइमरी मेमरी में। प्राइमरी मेमरी हम आपको आगे रीड करवाते हैं, ठीक है, समझ लो आप, प्राइमरी मेमरी में डाटा हमारा जाता है और परफॉर्म द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन इट, इसके ऊपर क्या है, और जो भी ऑपरेशन है, प्लस है, माइनस है, जो भी होता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो कहाँ पर होता है, मेमोरी में। ठीक है, वो कैलकुलेशन होती है, शो होता है अर्थमेटिकल ऑपरेशन ऑन इट, इसके ऊपर। ठीक है, इट परफॉर्म ऑल सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन क्यूर ऑन डाटा, ये परफॉर्म करता है ऑल सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन, जो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता पाव कैसे हो गया, वो एक मिनट में हमें क्या है, जो है कैलकुलेशन करके हमें हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें वो डाटा क्या है, शॉर्ट में दे देता है। देन सेंड बैक डाटा टू द स्टोरेज, देन वो डाटे को इनपुट यूनिट में डाला, कंट्रोल किया, अर्थमेटिक किया, अर्थमेटिक यूनिट में आया वो, उसके बाद मेमोरी में है, मेमोरी क्या कर देगी, उस डाटे को शो कर देगी, मेमोरी में स्टोरेज में वो कैलकुलेशन होकर वापस एक स्किप में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं हमारे पास आउटपुट आ गया। द यूनिट नेक्स्ट है पॉइंट, द यूनिट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, जो यूनिट है किसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, परफॉर्मिंग लॉजिक ऑपरेशन, इसमें जो प्रीडिफाइन होते हैं कुछ लॉजिक पीसी में ही होते हैं। ठीक है, वो लॉजिक यूनिट है जो, ये तो अर्थमेटिक थे हमने जो कैलकुलेशन, जो एक लॉजिक मीन जो लॉजिक तैयार किए हुए हैं साइंटिस्ट वगैरह के द्वारा, एंड और इक्वल लेस देन, ये क्या है, लॉजिक है, एंड ने कैसे वर्क करना है, उसमें इक्वल में जो डाटा शो हो जाता है, लेस देन में शो हो जाता है, वो सभी क्या है, लॉजिक है। इन एडिशन टू दिस इट कंडक्ट मर्जिंग शॉर्टिंग सिलेक्टिंग ऑफ द गिवन डाटा, जो हमारा डाटा मर्ज होता है, शॉर्ट होता है, सिलेक्ट होता है, सिलेक्शन होती है, वो गिवन डाटा होता है ना, जो डाटे के द्वारा, जो डाटे को एंड और इक्वल, ये तो हो गए लॉजिक ऑपरेशन, इसमें क्या है, इसके अलावा ये क्या है, मर्ज भी करते हैं लॉजिक यूनिट, सॉर्ट भी करते हैं, इसको डिफरेंट करना है, सिलेक्ट करना है, ये सभी जो लॉजिक ऑपरेशन हैं ये किसके द्वारा यूज़ होते हैं, अर्थमेटिक यूनिट के द्वारा। जो हमारे पास मान लो, हम तो सिर्फ मान लो आप पेंट चलाते हैं, पेंट में जो भी कुछ भी मर्ज वगैरह, क्रॉप वगैरह करते हैं, वो तो हम लॉजिक यूनिट के द्वारा ही करते हैं ना, जो मान लो क्रॉप किया, पेस्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, आपको पता ही लग गया होगा, कंट्रोल यूनिट है जो नेम सुजेशन, द कंट्रोल यूनिट एज नेम सुजेशन इज कंट्रोल ऑफ ऑल एक्टिविटी टास्क एंड ऑपरेशन। कंट्रोल यूनिट वो है जो एक्टिविटी टास्क ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ऑल दिस इज परफॉर्म इनसाइड द कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर के अंदर इनसाइड
परफॉर्म होते हैं, शो होते हैं। नेक्स्ट है द मेमोरी यूनिट, द मेमोरी यूनिट सेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, पहले कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ने किया मेमोरी यूनिट को, मेमोरी यूनिट ने वापस अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ने वापस कंट्रोल। वो कहाँ है, मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में भी चला जाता है वो उस डाटे को, हम क्या कहते हैं जो इंस्ट्रक्शन सेंड होती है ना कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल यूनिट को। देन द कंट्रोल यूनिट इन टर्न कन्वर्ट दोज इंस्ट्रक्शन, जो भी हमें चाहिए उसके द्वारा वो क्या है कन्वर्ट कर देती है इंस्ट्रक्शन को, डाटे को, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है। आफ्टर दैट दीज इंस्ट्रक्शन आर कन्वर्ट इन टू कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल, दीज कंट्रोल सिग्नल हेल्प इन प्रायोरिटाइजिंग एंड शेड्यूलिंग द एक्टिविटी। जो हमारे डाटे को कंट्रोल सिग्नल है हेल्प करता है प्रायोरिटी की, शेड्यूल द एक्टिविटी, जो भी टाइम में और जो भी फर्स्ट में, मान लो हमें, हम जिस किसी को पहल देते हैं और उसको टाइम पर जो भी एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल सिग्नल के द्वारा होती है। दस द कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट द टास्क इनसाइड द कंप्यूटर इन सिंक विद द इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट और आउटपुट यूनिट के साथ क्या है, कंप्यूटर के अंदर जो टास्क होता है वो क्या है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट ऑल द डाटा दैट हैज़ टू बी प्रोसीड हैज़ बीन प्रोसीड इन स्टोर इन द मेमोरी यूनिट। ऑल डाटा कहाँ पर हो जाता है, प्रोसीड होता है, प्रोसीड होकर स्टोर होता है इन मेमोरी यूनिट में। द मेमोरी यूनिट एक्ट एज ए हब ऑफ ऑल डाटा, जैसे हब होता है ना उसकी तरह ही एक हब है, उसमें सभी केबल होती हैं मान लो, उसी की तरह ही जो मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट में ऑल डाटा होता है, सेव होता है। इट ट्रांसमिट इट टू द रिक्वायर पार्ट ऑफ कंप्यूटर व्हेन एवर नेसेसरी। ट्रांसमिट किया रिक्वायर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर के अनुसार क्या है जी, व्हेन एवर जो नेसेसरी होता है वो कंप्यूटर के पार्ट में क्या होता है, रिक्वायर होता है, ट्रांसमिट होता है। द मेमोरी यूनिट वर्क इन सिंक विद CPU। सिंक होता है जो डाटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर जो डाटा सिंक होकर सेव होता है। ठीक है, उस मेमोरी यूनिट वर्क इन सिंक विद CPU के साथ वो क्या होती है, सिंक होती है। सिंक होकर क्या होती है, वो एक बार चेक करता है कंप्यूटर भी, मुझमें जे जे डाटा है और जे डाटा मेरा इस मेमोरी में पड़ा है, मुझे सेव करना है, जे करना है। ठीक है, दिस हेल्प इन फास्ट असेसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा। ये फास्टली हेल्प करती है मेमोरी यूनिट भी, फास्टली असेस हो और प्रोसेस हो, डाटा पहुँचे और कैलकुलेशन हो। ठीक है, दस मेकिंग टास्क ईजी एंड फास्ट। जे इसके द्वारा क्या है, मेमोरी यूनिट के द्वारा जो डाटा ईजी और फास्ट बनता है। टू टाइप की हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है कैन नॉट स्टोर अ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। जो प्राइमरी मेमोरी है बहुत ज़्यादा डाटा नहीं स्टोर कर सकती। ठीक है, इसलिए इट इज़ ओनली यूज टू स्टोर रिसेंट डाटा। जो मान लो हम जो भी ऑपरेट कर रहे हैं, रिसेंटली हमने जो भी काम किया, प्राइमरी मेमोरी वो डाटे को ही सेव करती है। द डाटा स्टोर इन दिस इज टेम्परेरी, मीन्स वो डाटा सेव नहीं होता है, वो रिसेंटली सेव होता है, रिसेंटली में रहता है, मीन्स वो डाटा टेम्परेरी सेव होता है। मान लो हमने कुछ टाइप किया, वो हमारा टाइप किया हुआ डाटा सेव नहीं था, है तो कहीं तो काम कर रहे हैं हम, किसी जगह में तो काम कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं हम विदाउट मेमोरी काम कर रहे हैं। हम मान लो हमने कुछ टाइप किया, वो रिसेंटली में चला जाता है ना, मीन्स टेम्परेरी होता है। मान लो हमारी पावर ऑफ हो गई, तो वो डाटा ही ऑफ ही हो गया, मान लो वो डाटा सेव नहीं था, टेम्परेरी था, वो डाटा कंप्यूटर से निकल जाएगा, वो तब तक ही रहेगा जब तक आप काम कर रहे हैं। यदि आपने नहीं सेव किया वो, तो डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट आफ्टर कंप्यूटर स्विच ऑफ। ठीक है, इट कैन गेट रेज वंस द पावर इज स्विच ऑफ, वही बात होगी। ठीक है, मैंने कह दिया। ठीक है, ये क्या करता है, रेज हो जाता है एक बार में जब पावर की हमारी स्विच ऑफ हो जाती है। देयरफॉर इज आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी और मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इसके टू पॉइंट है, रैम स्टैंड रैम एंड रोम होती है। ठीक है, जैसे रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारे हमें कहते हैं ना CPU में रैम है, 2GB की रैम है, 3GB 4GB की रैम है, वो क्या है, हमारी मेमोरी है जिसको हम फुल फॉर्म में रैंडम
एसएस मेमोरी कहते हैं, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी की एग्जाम्पल है जिसमें टेम्परेरी डाटा रहता है। दिस मेमोरी इज़ डायरेक्टली एसेसिबल बाई CPU, ये CPU के द्वारा ही एसेसिबल होती है, CPU में डायरेक्टली डलती है, इसको CPU में चिप की तरह डाला जाता है। इट इज़ यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पज, जो भी हमारा डाटा इसमें है, हम मान लो जो रीड कर रहे हैं राइट कर रहे हैं, वो CPU के द्वारा ही होता है, जो मीन्स रैम मेमोरी यूज़ करती है। फॉर डाटा टू बी प्रोसीड, डाटा हमारा प्रोसीड होता है, इट फर्स्ट ट्रांसमिट टू रैम देन टू CPU। सेकेंडरी मेमोरी एज एक्सप्लेन अबव, द प्राइमरी मेमोरी स्टोर टेम्परेरी डाटा, ठीक है, दस इट कैन नॉट बी एक्सेस इन द फ्यूचर, कहने इसको हम फ्यूचर में नहीं कर सकते। फॉर प्राइमरी स्टोरेज पर्पज, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज, इट इज़ कॉल्ड परमानेंट मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी। द हार्ड डिस्क इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, पावर फेलर डाटा डज नॉट गेट रिजल्ट। जो सेकेंडरी मेमोरी है, मान लो हमारे कितने CPU में PC में सॉफ्टवेयर पड़े हैं, MS ऑफिस, जो भी पेंट हैं, नोट पैड है, जो भी किसी प्रकार की अपनी गेम रखी है, वो सभी हमारे सेकेंडरी मेमोरी में रहते हैं। उस सेकेंडरी मेमोरी में जब हम स्विच ऑफ कर दें, कुछ भी कर दें, फेल हो जाए स्विच, कुछ भी हो जाए, तो डाटा वो रेज नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है, वो डाटा कहाँ पर रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है गाइज। नेक्स्ट आउटपुट, आउटपुट क्या है, ये तो आपको पता ही होगा, हमने बहुत बार आउटपुट के बारे में बात किया है। देयर इज नथिंग टू बी मेजर्ड वाई व्हाट द आउटपुट इज यूज्ड फॉर, ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड टू कंप्यूटर वन आइदर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। यदि तो हमें जा तो हमें हार्ड कॉपी में मिलेगा या सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में हमें मॉनिटर के द्वारा शो होगा, हार्ड कॉपी में रिजल्ट हमें प्रिंटर के द्वारा मिलेगा। द प्रिंटर इज फॉर हार्ड कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट भी जाइए, मॉनिटर इज फॉर डिस्प्ले। द आउटपुट एक्सेप्ट द डाटा इन बाइनरी फॉर्म, आउटपुट यूनिट है जो एक्सेप्ट करता है डाटा इन बाइनरी फॉर्म फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर है ना, जो कंप्यूटर के द्वारा वो बाइनरी फॉर्म में डाटा एक्सेप्ट करता है, जो आउटपुट यूनिट होता है प्रिंटर मॉनिटर, देन इट कैन कन्वर्ट इनटू रीडेबल फॉर्म फॉर यूज़र। वो जो प्रिंटर है, जो भी हैं, वो हमें कन्वर्ट करके देते हैं किस फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में फॉर यूज़र, यूज़र के लिए। मान लो हम यूज़र हैं, हमें किस फॉर्म में डाटा मिल रहा है, किस फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में, वो भी जो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है गाइज। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे लगता है आपको ये सभी टॉपिक समझ आ गए होंगे। ये एक ब्लॉक डायग्राम था जिसके अंडर ये आउटपुट CPU और इनपुट वगैरह ये सभी पार्ट आते हैं, ठीक है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ठीक है गाइज। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय।